हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे अमन सिंह, आज के विजेता स्क्रीन के सामने। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम मस्त। जी, जीत के सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको जीतने के लिए। पूरा एमपीएल ई-स्पोर्ट्स 2021 पूल मास्टर्स कैसा लग रहा है आपको जीत के? लिटरली बहुत मजा आया अभी खेल के, और जीत के तो सबसे ज्यादा मजा आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सामने वाले को मौका नहीं दिया। मैं आपसे वही बस पूछने वाले था कि एटलीस्ट सामने वाले को एक तो मौका देना चाहिए था आपको। पूल के अंदर एक्चुअली यही होता है कि जी अगर आप ओपोनेंट को चांस दोगे तो डेफिनेटली वो आपको टर्न देगा ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि ओपोनेंट को चांस बिल्कुल भी नहीं देनी है। जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस एमपीएल का पूरा जानना चाहूँ इन वन वर्ड, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? बहुत ही मजेदार और साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्लस अर्निंग भी बहुत बढ़िया होती है। जी बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एंड क्या करेंगे आप इतनी सारी धनराशि का? खैर जोक्स अपार्ट, बट मैं यहाँ पे पूछने वाला था, सबसे पहले आप क्या बाई करने वाले इतने सारे पैसे से? लिटरली अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहीं ना जी कहीं इन्वेस्ट करूंगा। ओके नाइस। एंड अभी हमने देखा आपका इन गेम नेम अमन सिंह ही था, तो आपको कोई कूल सा नेम अगर रखना हो इन गेम तो आप क्या रखेंगे? इन गेम मेरा कूल सा नाम ऑलरेडी है, मैंने कभी अमन सिंह के नाम से खेला नहीं है, मैं हमेशा इग्नाइट गेमिंग के नाम से खेला हूँ। ओके जी मेरे को बिल्कुल, सारे इग्नाइट पूल के गेमिंग। जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे इग्नाइट गेमिंग के नाम से जानते हैं। ओह जी बिल्कुल, आपके फैंस भी तो काफी ज्यादा इस वक्त बने ही होंगे। एंड अगर दूसरा मैं जानना चाहूँ, हर किसी का यहाँ पे कोई सक्सेस मंत्रा होता है कि हाँ ये करके वो आराम से सक्सेस पा सकते हैं, आपका यहाँ पे क्या सक्सेस मंत्रा रहा? अगर पूल की बात करें सक्सेस मंत्रा के लिए, तो पूल से मेरा 3 चीज है, एक जी तो एम, दूसरा स्पिन, स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा तीसरा फोर्स। अगर फोर्स सही से यूज नहीं करोगे तो आप कोई मैच जीत ही नहीं सकते। इन तीनों अभी का वो प्रैक्टिस चीज कर लो और सारे मैच आप जीत सकते हो। जी अभी जो वो चीज तो हमने देखा ही, किस तरीके से आपने स्पिन करा, खासकर वो जो बॉल फंसाया था सेमीफाइनल्स में दो बॉल के बीच में, वो परफेक्ट प्ले था। बट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। जिस तरीके से आपने यहाँ पे फाइनल्स खेला, कोई एक ऐसा मोमेंट फाइनल्स में जहां पे आपको लगा हो कि बस अब तो मैं जीत ही रहा हूं? फाइनल्स में देखो सबसे बड़ा मूवमेंट मेरे लिए यही था कि ओपोनेंट ने जब ब्रेक करा तो जी एक भी बॉल पॉट नहीं हुई थी और मेरे लिए पूरी टेबल ओपन हो चुकी थी, तो मेरे को ये पता था कि मुझे अब सारी बॉल को पॉट करनी है और ब्लैक पॉट करके जीतना है मैच। आपने वही सेम चीज करा, भी सामने वाले को तो मौका भी नहीं दिला। बट खैर अमन सिंह, आपसे बात करके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आया, काफी अच्छे आंसर्स आपने दिए। बट जाते जाते अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए, या फिर जो पूल्स खेलते हैं उनके लिए कोई एक मैसेज? मेरा मैसेज ये देखो, पूल बहुत ही बड़ा बढ़िया चीज है और इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आज तुम इन्वेस्ट करोगे थोड़ा टाइम, तो जी मेरी तरह और बाकी प्लेयर्स की तरह तुम भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू सो मच अमन, एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से 1.5 लाख आपको जीतने के लिए। बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, फिर कभी जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।